आदाब। आज हमें फोर्थ सेमेस्टर का कोर कोर्स नज़म पढ़ेंगे। तो नज़म इसम सरवर यानी सैयद मोहम्मद सरवर की नज़म आज हम पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है यही है क्या वो हिंदुस्तान। सबसे पहले हमें सरवर के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। सरवर कौन है, अदब में उनका मकाम क्या है, इस नज़म के ज़रिए उन्होंने क्या बयान करना चाहते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। सैयद मोहम्मद सरवर केरला के वाहिद उर्दू शायर माने जाते हैं। उन्होंने उर्दू और अरबी दोनों ज़बानों में शायरी की। उन्हें अल्लामा इकबाल से एक ख़ास किस्म का जज्बाती लगाव भी था और वालिहाना अकीदत भी। यही वजह है कि उनकी नज़मों में अल्लामा इकबाल के अफकार व नज़रियात का इनकास मिलता है। सरवर के फ़िक्र व शोर में जिस कदर बालीदगी और पुख्तगी आती गई, इसी कदर अल्लामा इकबाल से उनका फ़िक्री रबत गहरा और पुख्ता होता गया। यहाँ तक के सरवर ने अल्लामा इकबाल को अपना रहनुमा और पीर तस्वीर कर लिया। अपनी ज़िंदगी के मुतालिक तमाम सवालों के जवाबात सरवर को इकबाल से मिलते गए। इसलिए इकबाल और सरवर के कलाम में बहुत से नज़रियात मुश्तरका मिलते हैं। चुनांचे सरोवर के मजमूए कलाम नवाए सरवर की इस नज़म में इकबाल के नज़रियात व ख़यालात से मुतासिर होने का सबूत हमें मिलता है। सरोवर साहब को अपने मुल्क हिंदुस्तान से वालिहाना मोहब्बत थी, इसलिए उन्होंने अपनी जवानी की सरमस्तियों और गर्म जोशियों को बालाए ताक रख कर अपने मुल्क व कौम के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी और मुल्क व कौम की फलाह व बहबूदी को अपना मकसद बना लिया था। नज़म यही है क्या वो हिंदुस्तान उनकी ऐसी नज़म है जिसमें मुल्क की दर्द मंदी की तस्वीर बेहतरीन अंदाज में खींची गई है। आज़ादी के बाद अपने मुल्क हिंदुस्तान में आबाद कौमों की बर्बादी व तबाही पर अफसोस जाहिर करते हुए वतन के लोगों से इस बात का एहसास दिलाया है कि मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है। इस मुल्क के आवाम की बहसी को देखकर सरवर को ये खदशा या खौफ हुआ कि कहीं आज़ादी का ख्वाब शर्मिंदे ताबीर न होने से रह जाए, इसलिए वो अपने मुल्क के आवाम को इसके ज़रिए इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो अपने ज़ाती इख्तिलाफात को दरकनार करते हुए इतिहाद व इत्तिफाक के साथ दुश्मन के खिलाफ जंग लड़े। इस तरह उन्होंने अपने हम वतनों को हुब्बुल वतनी का दरस देते हुए आपस में एकजहती और इतिहाद की पुरजोश तलकीन की है। इस निज़म का एक अहम मकसद ये भी है कि हिंदुस्तान को तबाही व बर्बादी से बचाकर तरक्की की तरफ ले जाए। ये एक कौमी नज़म है, यानी इसमें हम नज़म के बारे में चंद मालूमात एक तारुफी तौर पर हासिल करेंगे। ये एक कौमी नज़म है, ये माना है यही है क्या वो हिंदुस्तान सरवर की नज़म, ये कौमी नज़म है। ये नज़म नौ बंदों पर मुश्तमिल है। इस नज़म में शुरू से लेकर आखिर तक हिंदुस्तान के साथ उनकी हुब्बुल वतनी और वतन परस्ती दिखाई देती है, इसलिए
वो नज़म में अपने मुल्क को बर्बादी से बचाना चाहते हैं। इस नज़म के नौ बंद में क्या क्या खसूसियत है वो देखेंगे। इस नज़म के पहले बंद में उन्होंने हिंदुस्तान की अजमत और शान व शौकत को बयान किया है। दूसरे बंद में हिंदुस्तान के मौसम की दिलकश फ़ज़ा को बेहतरीन अंदाज में नक्शा खींचा है। तीसरे बंद में हिंदुस्तान की बेमिसाल तहजीब की तस्वीर खींची है। चौथे बंद में कुदरती मनाजिर की मंजरकशी की है। पांचवें बंद में हिंदुस्तान के कौमी लीडरों की वतन परस्ती बयान की है। छठे बंद में हिंदुस्तान में होने वाली तबाही व तनज़ुली की तरफ तवज्जा मबजूल करवाई है। सातवीं बंद में हिंदुस्तान के आवाम की बिगड़ी हुई हालात बयान की है। आठवीं बंद में हिंदुस्तान की तबाही व बर्बादी के बारे में कहा है। नवीं बंद में मुल्क व कौम के हाकिम को मुल्क के हालात के पेशे नज़र बेदार होने की तलकीन की है। तो नौ बंद में इस तरह उन्होंने एक एक बात को बयान करने की कोशिश की है। आइए अब हम नज़म सुनेंगे और सुनकर हर एक मिसरा के मायना क्या है, उन्हें क्या मतलब इसके पहचाना सकते हैं, हम पढ़ेंगे। पहला बंद है, यही है क्या वो हिंदुस्तान जो रश के सद गुलिस्तान था, चिराए मारिफत जिसका ज़माने में फर्जा था, पराये देश वालों की निगाहों में खयाबान था, जहाँ देखो निशात अंगेजियों का साज व सामान था, यही है क्या वो हिंदुस्तान जो रश के सद गुलिस्तान था। इस नवीन बंद के आखिर में एक ही मिसरा दोहराते हैं, वो मिसरा यह है, यही है क्या वो हिंदुस्तान जो रश के सद गुलिस्तान था। एक सवालिया निशान है, यानी हिंदुस्तान वालों से वो सवाल करते हैं, तो हिंदुस्तान के हालात को बेदार करने की कोशिश की है। तो पहला मिसरा देखिए, यही है क्या वो हिंदुस्तान जो रश के सद गुलिस्तान था। इस बंद की खसूसियत यह है कि पहला मिसरा और आखिर का मिसरा ये कहे है, यानी यही है क्या वो हिंदुस्तान जो रश्क के सद गुलिस्तान था। रश्क के माने हैं नाज और सद के माने हैं सौ हैं। इस मिसरे में हिंदुस्तान की अजमत को बयान करते हुए शायर कहता है कि माजी में हिंदुस्तान एक ऐसा गुलिस्तान था जिसको देखकर सैकड़ों गुलिस्तानों को रश्क होता था। यानी रश्क के माने हैं असद के ज़िद्द, यानी उसी तरह हो जाने की, उसी मुल्क की तरह हो जाने की कोशिश, ये रश्क का माना है। यानी इस गुलिस्तान के मनाजिर इतनी खूबसूरत और हसीन थे कि दुनिया के सारे गुलिस्तानों को उस पर रश्क होता था और वो खुश होते थे। यह है पहला मिसरा का माना। दूसरा मिसरा है, चिराए मारिफत जिसका ज़माने में फरजान था। तो दूसरे मिसरे में चिराए मारिफत के माने हैं मारिफत का चिराह, यानी पहचान का चिराह, फरजा माना चमक है। यानी शायर इस मिसरे में कहता है कि हिंदुस्तान पुराने ज़माने में अपनी पहचान बनाया हुआ था, दुनिया में उसकी शनाख्त थी, हिंदुस्तान अपनी एक पहचान बनाकर सारी दुनिया में चमक रहा था। ये दूसरा मिसरा का माना व मफहूम है। तीसरा देखिए, पराये देश वालों की निगाहों में खयाबान था। तीसरे मिसरे में खयाबान के माने हैं गुलिस्तान, यानी इस मिसरे में शायर कहता है कि हमारा हिंदुस्तान
पराये मुल्कों के लोगों की नज़रों में एक खयाबान की तरह था। हमारा मुल्क ऐसा खयाबान था जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फूल उगते हैं, इसलिए सारी दुनिया वाले इस मुल्क को इज्जत की निगाहों से देखते थे, इस मुल्क का एहतराम किया करते थे। इस तरह शायर ने इस बंद में हमारे हिंदुस्तान की शान व शौकत और अजमत को बयान किया है। चौथा मिसरा देखिए, जहां देखो निशात अंगेजियों का साज व सामान था। यानी चौथे मिसरे में निशात अंगेजियों के माने हैं खुशहाली के। हिंदुस्तान में पुराने ज़माने में हर जगह चहल पहल थी, रौनक थी। यानी चहल पहल का दूसरा लफ्ज़ है रौनक। और सारे हिंदुस्तान का माहौल खुशी व निशात से भरा हुआ था। खुशी व निशात दोनों एक ही माने में हैं। और शुबा जाहिर कर रहा है कि क्या हम इसी हिंदुस्तान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसको देखकर एक ज़माने में सारे लोग रश्क करते थे। तो इस बंद के आखिरी मिसरा और हर बंद में दोहराने वाले मिसरे हैं, यही है क्या वो हिंदुस्तान जो रश्क सद गुलिस्तान था। ये हर बंद में यानी निज़म ख़त्म होने तक हर बंद के आखिर में ये दोहराते जाते हैं। दूसरे बंद देखिए, फ़ज़ाए खल्द से भी जुदागा ना फ़ज़ा जिसकी, दिलों को मोह लेती थी हवाए दिलकशा जिसकी, नज़ारे जिसके दिलकश थे जुनू परवर हवा जिसकी, पज़ीराई के काबिल थी ज़माने में नवा जिसकी। यही है क्या वो हिंदुस्तान वो रश्के सद गुलिस्तान था। दूसरे बंद के पहले मिसरे देख लीजिए, फ़ज़ाए खुल्द से भी थी जुदागाना फ़ज़ा जिसकी। इस बंद के पहले मिसरे में फ़ज़ाए खुल्द के माने हैं जन्नत की फ़ज़ा। फ़ज़ा है माहौल। यानी शायर इस मिसरे में कहा जाता है कि गुलिस्तान नाम के हिंदुस्तान की फ़ज़ा जन्नत की फ़ज़ा से भी जुदा थी। यानी अच्छी थी, इसे जन्नत से भी जुदा थी के माना है अच्छी थी। ज़माने कदीमे हिंदुस्तान सारे जहां में सबसे अच्छा था। यानी सारे लोगों में और सारी दुनिया में हिंदुस्तान बहुत मशहूर थी। हिंदुस्तान की फ़ज़ा में एक किस्म की महक थी और खुशबू थी। महक के माने हैं खुशबू, यानी हर जगह खुशबू से तर थी। दूसरे मिसरे देख लीजिए, दिलों को मोह लेती थी हवाए दिलकश जिसकी। ये दूसरे में हिंदुस्तान की फ़ज़ा इतनी पाक साफ और महक आलूदा थी कि जिसको देखकर लोग उसकी तरफ मायल होते थे। मायल होना के माने हैं हमारी तरफ मुड़ जाना और हमारी तरफ देखना। ये खुशबू से पुर फ़ज़ा दूसरों के दिलों को अपनी तरफ खींच लेती थी। तीसरे मिसरे देख लीजिए, नज़ारे जिसके दिलकश थे जिन्हों परवर हवा जिसकी। यानी तीसरे मिसरे में जुनू के माने हैं पागल। इसमें शायर इस गुलिस्तान नुमा हिंदुस्तान की फ़ज़ा की और तारीफ करते हुए कहता है कि इस गुलिस्तान के मनाजिर दिलकश थे और यहाँ की हवा में ऐसी मस्ती थी कि जिसकी वजह से लोगों पर एक जुनू सा तारी हो जाता था। जुनू सा के माना है जुनू के जैसे। लोग यहाँ की महक आलूद हवा से पागल हो जाते थे। चौथा मिसरा देख लीजिए, पज़ीराई के काबिल थी ज़माने में नवा जिसकी। तो चौथे मिसरे में पज़ीराई का मतलब खुशामदीद है। खुशामदीद
के माने हैं विलकम, नवा के माने हैं आवाज़। इसमें शायर ये कहना चाहता है कि पुराने ज़माने में हिंदुस्तान वाले अगर कुछ कहते तो उनकी बातों की तारीफ की जाती थी। हिंदुस्तान की आवाज़ को, उसकी बातों को सभी लोग खुशामदीद करते थे, कबूल करते थे। दुनिया के सारे मुमालिक इसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते थे। आवाज़ में आवाज़ मिलाना यानी उसको सुनना और हाँ करना, और हाँ में हाँ मिलाते उसे कबूल करना। सभी मुमालिक हिंदुस्तान के हम नवा थे, यानी हिंदुस्तान की तरफ दूसरे मुमालिक के लोग देख रहे थे, वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो देख रहे थे। उसके आखिर भी यही मिसरा दोहराते हैं कि यही है क्या वो हिंदुस्तान जो रश्के सत गुलिस्तान था। तो तीसरे मिसरे देख लीजिए, नज़ारे जिसकी दिलकश थे, जुनून परवर हवा जिसकी, पजीराई के काबिल थी ज़माने में नवा जिसकी। तो ये हम कह चुके हैं, और इस बंद के आखिरी मिसरा यही है क्या वो हिंदुस्तान जो रश्के सद गुलिस्तान था। तो दूसरा बंद भी ख़त्म हो गया। देख लीजिए अब हमें तीसरा बंद की तरफ ले जाएंगे। तीसरा बंद के अशार सुनिए। जहां दरिया है सुलह व आतिशी, हर सिमत बहते थे, वफा की राह में कड़ियां खुशी से लोग सहते थे, गनी दिल के थे जो उस पर सुकून वादी में रहते थे, किसी दिल को सताने के लिए वो कुछ न कहते थे। यही है क्या वो हिंदुस्तान जो रश्के सद गुलिस्तान था। तो तीसरा बंद हो गया। तीसरा बंद का पहला मिसरा देखिए। जहां दरियाए सुलह व आतिशी, हर सिमत बहते थे, यानी इस बंद के पहले मिसरे में हिंदुस्तान की खूबी बयान करते हैं। हर जगह, हर हिस्से में, हर कत्ते में, हर इलाके में पानी के दरियाओं की तरह दोस्ती व भाईचारा, मेल मिलाप, अमन व अमान और सलामती के दरिया बहते थे। किसी किस्म की कोई नफरत, दुश्मनी और इंतकाम के माने हैं रिवेंज नहीं थे। हर जगह मोहब्बत का दरिया बहते थे, यानी हर जगह हम देखें तो इंसानों के दरमियान आपस में मोहब्बत और इत्तेहाद का जज्बा हमें देखा जा सकता था। दूसरे मिसरा सुनिए। वफा की राह में कड़ियां खुशी से लोग सहते थे। तो दूसरे मिसरे में लफ्ज़ कड़ियां के माना सख्तियां या गालियां हैं, यानी गालियां देना और सख्तियां यानी सहना। शायर इस मिसरे में कहता है कि हिंदुस्तान के लोग वफादारी निभाने के लिए ज़िंदगी में जो भी कठिनाइयां या तकलीफ़ें आती है, कठिनाइयां का माना है कठिनम, यानी हम मलयालम में भी कठिनम इस्तेमाल करते हैं, यही उर्दू में भी कठिनाइयां या तकलीफ़ें आती है उन्हें खुशी से सहते थे। यानी इस वक्त के हिंदुस्तान के लोगों में सब्र था, यानी कठिनाइयां सहना और मुश्किल सहना, तकलीफ़ें बर्दाश्त करना का ये मुराद ली जाती है कि हिंदुस्तान के लोगों में सब्र बहुत था। कोई भी सब्र का दामन हाथ से जाने नहीं देता था, यानी सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने से ये माना होता है कि हम बहुत जल्द गुस्सा में आ जाना, ये नहीं था। यानी कितनी मुश्किलात है तो वो बर्दाश्त करती थी, सह लेते थे। इस तरह वतन के साथ लोग वफादारी करते थे, यानी अपने वतन के लिए वो जो भी मुश्किलात हो वो सहता था। तीसरे मिसरे देखिए।
गनी दिल के थे जो उस पर सुकून वादी में रहते थे। तो तीसरे मिसरे में पुराने ज़माने के हिंदुस्तान के लोग दिल के गनी हुआ करते थे, यानी दिल को बर्दाश्त करते और दिल को काबू करते थे। ऐसे दिल के गनी लोग, भारी दिल के लोग, फयाज लोग हिंदुस्तान जैसी पुरसुकून वादी में रहते थे, इसलिए इस मुल्क का नाम सारी दुनिया में बहुत मशहूर था। यानी जितने कठिन दिल या सख्त दिल लोग होते तो भी हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए वो सब बर्दाश्त करते थे, इसका ये मुराद है। चौथा मिसरा देखिए, किसी दिल को सताने के लिए वो कुछ न कहते थे। ये बहुत आसान मिसरा है, क्योंकि इस मिसरे में कोई लफ्ज़ मुश्किल तो नहीं है। सताने के माने हैं मारना या मुश्किल देना। चौथे मिसरे में हिंदुस्तान के लोग इतने सीधे सादे थे, यानी इतने आसान थे, सिंपल थे, कि दूसरों को हरगिज़ तकलीफ़ नहीं देते थे। यानी दूसरे लोगों को तकलीफ़ देने के लिए वो बाज़ रहते थे, वो खुद मुश्किलें बर्दाश्त करते हैं, लेकिन दूसरों को तकलीफ़ देने से वो बाज़ आते थे। दूसरों को सताने वाले काम नहीं करते थे, यानी दूसरों को कोई मुश्किल अगर पहुँचे तो ऐसा काम वो कभी नहीं करते थे। तो इसका लास्ट मिसरा ये है, यानी आखिरी मिसरा यही है, वो हर बंद में दोहराते हैं, यही है क्या वो हिंदुस्तान जो रश के सद गुलिस्तान था। यानी हमसे ये सवाल करके सोचने पर मजबूर करता है कि आज ये हिंदुस्तान कहाँ पहुँचा है, हिंदुस्तान क्या हालत क्या है। तो हमें सोचने का एक ज़रिया उन्होंने बयान किया है। अगला बंद देख लीजिए, वो आ आकर नसीम सुबह का गुल को जगा देना, सुना कर लोरियम लहरों का फूलों को सुला देना, गुल व रैहान का खुशबू को दिमागों में बसा देना, चमन वालों को नामे अंदलीबों का सुना देना, यही है क्या वो हिंदुस्तान जो रश के सद गुलिस्तान था। इसका पहला मिसरा देखिए, वो आ आकर नसीम सुबह का गुल को जगा देना। इसमें नसीम के माने हैं सुबह की हवा, यानी सुबह की ठंडी हवा जो बहुत ताज़ा होते हैं, फ्रेश होते हैं। इसमें शायर इस जमन के कुदरती मनाजिर की मंजर कशी करते हुए कहता है कि सुबह सुबह नसीम आकर जगा देती है। चमन में मुख्तलिफ किस्म के फूल होते हैं, सुबह के वक्त ठंडी ठंडी हवा जब चलती है तो सारी कलियां फूल बन जाती हैं। गुल को जगा देने का मतलब यह है कि नसीम के चलने से सारी कलियां जाग जाती हैं। यानी हम देख सकते हैं कि सुबह के वक्त हर कली फूल बन जाते हैं, यानी फूल खिलते हैं, यही इसे मुराद है। दूसरा मिसरा देखिए, सुनाकर लोरियां लहरों का फूलों को सुला देना। दूसरे मिसरे में शायर कहता है कि हिंदुस्तान में जो नहरें बहती हैं, नहर के माने हैं छोटी नदियां बहती हैं, उन नहरों में बहने वाले पानी की आवाज़ की वजह से फूल सो जाते हैं। यहाँ शायर पानी के बहने की आवाज़ को लोरी से तशबीह देते हुए कहता है, यानी तशबीह करते हुए उन्होंने हिंदुस्तान की मंजर कशी को बहुत हसीन अंदाज में यहाँ बयान किए हैं। अगला मिसरा देखिए, गुल व रैहान का खुशबू को दिमागों में बसा देना। इन्हें इस मिसरे में रैहान के माने हैं खुशबू। शायर कहता है कि यहाँ के फूल और रैहान की खुशबू से लोगों के दिमाग तरोताज़ा हो जाते हैं। यानी खुशबू
आ जाते हैं तो हमारे दिल और दिमाग को एक ख़ास किस्म की फ्रेशनेस आता है, तरोताज़ा होता है और खुशी आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान के लोगों से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता था, बल्कि फ़ायदे ही फ़ायदा होता था। अगला मिसरा देखिए, चमन वालों को न मैं गंदलीबों का सुना देना। इस मिसरे में गंदलीब के माने हैं बुलबुल, यानी बुलबुल एक चिड़िया है, वो हसीन आवाज़ में हमें गीत सुनाते हैं। हिंदुस्तान में बसने वालों की अच्छी बातें गंदलीब जैसे परिंदे गा गा कर दुनिया वालों को सुनाते थे, यानी हिंदुस्तान की जो माहौल है, जो हालात है और जो नए नए वाक्य होते हैं, जो शायरी होते हैं, वो दुनिया के चारों तरफ फैलाते थे। इसमें हिंदुस्तान की खूबी बयान की है। अगले बंद देख लीजिए, उठा जिस खाक से टैगोर जैसा खुशबया शायर, सुखन संजी में क्या होगा कहीं इकबाल सा कादिर, सियासत में जवाहर सा कहाँ गुजरा कोई माहिर, जहाँ पैदा हुए थे गांधी जैसे गौहर नादिर। यही है क्या वो हिंदुस्तान जो रश के सदगुलिस्तान था। इस बंद में शायर हिंदुस्तान के लीडरों को सामने रखकर हमसे कहते हैं कि पहले ही उन्होंने ये कहा है कि उठा जिस खाक से टैगोर जैसा खुश बयां शायर, यानी इस बंद में शायर कहता है कि हिंदुस्तान कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है, इस मिट्टी में आलमी शोहरत याफ्ता शायर, नोबल इनाम याफ्ता खुश बयान शायर टैगोर को पैदा हुआ है। यानी टैगोर से रविंद्रनाथ टैगोर मुराद है, हमको मालूम है टैगोर के बारे में, उसकी खसूसियत और उसके बारे में उन्होंने इस शेर में पेश किया है। सुखन संजी में क्या होगा कहीं इकबाल सा कादिर, तो इकबाल को जानने वाले इस दुनिया में शायद कोई नहीं होगा। तो इकबाल शायरी में इतनी शोहरत पाते हैं, ख़ासकर उर्दू शायरी में, तो और उनके सूफियाना ख्यालात भी लोग आज भी अपनाते रहते हैं। तो इस मिसरे में उन्होंने कहता है कि शायरी में कुदरत रखने वाले आलमी शायर अज़म अल्लामा इकबाल को इस मिट्टी ने पैदा किया, यानी हिंदुस्तान की मिट्टी ने आलमी शायर इकबाल को ही पैदा किया है। हमें फ़ख्र से कह सकते हैं इकबाल के बारे में और टैगोर के बारे में हमें फ़ख्र कर सकते हैं। तीसरे को देख लीजिए, सियासत में जवाहर सा कहाँ गुजरा कोई माहिर, इस मिसरे में ये कहता है कि जवाहर के माने हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को जानने वाले आज हिंदुस्तान में कोई नहीं होगे, यानी इस मिट्टी में सियासत में महारत रखने वाले सियासी रहनुमा जवाहरलाल नेहरू भी पैदा हुआ। यानी जवाहरलाल नेहरू भी इसी मिट्टी में हमारे हिंदुस्तान में पैदा होकर अपनी ज़िंदगी गुजारा, बहुत से ख्यालात और बहुत से सोच व विचार हमारे सामने पेश किए हैं। जहाँ पैदा हुए थे गांधी जैसे गौहर नादिर, ये चौथा मिसरा है, इसमें गांधी जी की तरफ इशारा है। गांधी जी को जानने वाला और उसका नाम सुनने वाला आप लोगों में कोई नहीं होंगे, हिंदुस्तान में ही और हिंदुस्तान के बाहर के लोगों में भी आज गांधी जी का नाम गूंज उठ रहे हैं और उसकी शख्सियत की इज्जत व एहतराम की नज़र से देखते जा रहे हैं, तो उसकी तरफ इशारा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अहिंसा का पुजारी गांधी जैसा नायाब गौहर भी हिंदुस्तान ही में पैदा हुआ है।
इस तरह इस बंद में शायर ने हिंदुस्तान के कौमी लीडरों और अहम हस्तियों का जिक्र करके हिंदुस्तान की शान व शौकत के बारे में कहा है। और आखिर में यही मिसरा इसमें भी दोहराए गए हैं, यही है क्या वो हिंदुस्तान जो रश के सद गुलिस्तान था। अगले बंद के मिसरे देख लीजिए। बशर के खून से आलूदा पैकाने जफा देखो, जिधर देखो गुलशन की जहरीली हवा देखो, तरोताज़ा चमन की इस तबाही को ज़रा देखो, परस्तारे वफा जो थे उन्हें अब बेवफा देखो। यही है क्या वो हिंदुस्तान जो रश के सद गुलिस्तान था। इस नज़म के पांचवी बंद तक शायर ने हिंदुस्तान की हर तरह से तारीफ करते हुए उसकी खूबियों को गिनाया था, लेकिन इस छठे बंद से लेकर हिंदुस्तान में होने वाली तबाही की तरफ इशारा किया है। इस बंद को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि शायर को अच्छी तरह मालूम था कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसी हालत आएगी, तो शायर दूर अंदेशी के साथ आज का ज़माना समझ लिया था, मालूम कर चुके थे, इसलिए उन्होंने यही सवाल बार बार दोहराते हैं। तो इसके पहला मिसरा देखिए, बशर के खून से आलू द पैकाने जफा देखो, यानी बशर के माने हैं इंसान। आज हिंदुस्तान के अंदर हर जगह नफरत की हवा फैली हुई है, नफरत नहीं है उसका तलफ़ुज़, नफरत है, नफरत की हवा फैली हुई है जो हर वबा से ख़तरनाक है। तो जिस तरह हिंदुस्तान के इंसान के दिलों में नफरत आ गई तो उसकी शख्सियत ही बर्बाद हो गई। जुल्म व बेइंसाफ़ी की तलवार इंसान के खून से आलूदा हो चुकी है। शायर ने हिंदुस्तान के जिस शान व शौकत व अजमत का जिक्र किया था, अब ये सारी चीज़ें नहीं है, हर तरफ तबाही व बर्बादी मची हुई है। जिधर देखो गुलशन की जहरीली हवा देखो, तरोताज़ा चमन की इस तबाही को ज़रा देखो। तो इसमें यानी दूसरे मिसरे में हिंदुस्तान की जहरीली हवा यानी हिंदुस्तान के लोगों में जुल्म व बेइंसाफ़ी की तलवार आ चुके हैं, यानी इंसान के खून से आलूदा हो चुके हैं। और तीसरे मिसरे में तरोताज़ा चमन की इस तबाही को ज़रा देखो, यानी हिंदुस्तान शान व शौकत और अजमत का जिक्र किया था, अब ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, हर तरफ तबाही व बर्बादी मची हुई हैं। परस्तारे वफा जो थे उन्हें अब बेवफा देखो, इसके पहले हिंदुस्तान के अंदर वफा परस्त लोग रहते थे, यानी वफा परस्त लोग के माने हैं जो हमें काबिले कुबूल, जो हमें मलयालम में कहते हैं विश्वसनीय माया जनंगल रहते थे, अब वही लोग बेवफा हो गए हैं। यानी और कालघट्टत्तिल ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളുമായിരുന്നു, വിശ്വാസികളായിരുന്നു, നമ്മളെ വാക്കുകളെ എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ബേവഫ ഹോഗയേ, ഇന്ന് പരസ്പരം വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വരിയിലൂടെ, ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി ഹിന്ദുസ്ഥാനിക്ക് അന്തർ അബു വഫാദാരി നാം കി കോയി ചീസ് ഹി ബാക്കി നെയ് ഹെ, ഇനി വഫാദാരി നാം बाकी ही नहीं, वतन के साथ गद्दारी करने लोग भर रहे हैं। गद्दारी करना यानी चादी, वंजना, धोखा, फरेब, ऐसे लोग हिंदुस्तान के अंदर भर रहे हैं। इसलिए शायर इस बंद के बाद भी सवाल करते कर रहा है कि क्या यही है वो हिंदुस्तान जो रश के सद गुलिस्तान था, यानी उनके दिल में
बहुत रंज हुआ, दुख हुआ, गम हुआ, यानी एक ज़माने में हिंदुस्तान के लोगों को दूसरे ममालिक के लोग तारीफ़ करते थे, लेकिन आज ये ख़त्म हो गई है। अगला बंद देख लीजिए, पसर इंसान के शैतान बनते जा रहे हैं अब, तमद्दुन ही को ज़ेरे पा मसलते जा रहे हैं अब, पसंदीदा सभी अवसाफ मिटते जा रहे हैं अब, गज़ब यह है कि आकिल भी बहकते जा रहे हैं अब, यही है क्या वो हिंदुस्तान जो रश के सद गुलिस्तान था। तो सातवां बंद में पसर के माने हैं बेटा, यानी इंसान के बेटा। शायर कहता है कि अब हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का बेटा इंसान नहीं है, फिर क्या होगा? वो कहता है इंसान के बदले यही इंसान का बेटा शैतान है। यानी पैदा तो होता है इंसान बनकर, इंसान ज़रूर है, हमें ज़रूर कह सकते हैं कि इंसान इंसान के बेटे से पैदा होता है, लेकिन उसमें ऐसी सिफात अपना रहा है जिसमें वो शैतान बना बैठा है। इंसान तो पैदा होते हैं इंसान के बेटे की तरह से, लेकिन वो अपने काम से शैतान बन बैठा है। इस मिसरे से यही मुराद है। तमद्दुन ही को ज़ेरे पा मसलते जा रहे हैं अब, तो दूसरे मिसरे में हिंदुस्तान की जो अनमोल तहजीब थी, जो सारी दुनिया में अपनी इस तहजीब से जाना पहचाना जाता था, ऐसी तहजीब को इंसान अपने पाँव के नीचे डालकर ऊंध रहा है। ऊंध रहा है तो तुड़का, पुरानी तहजीब को बर्बाद कर रहा है। यानी हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान की तहजीब को मिटाते हैं। तीसरे मिसरे देखिए, पसंदीदा सभी अवसाफ मिटते जा रहे हैं अब, यानी हिंदुस्तान में जो अवसाफ थे, हिंदुस्तान के अंदर जो सिफात थे, जिन अवसाफ को सारी दुनिया के लोग पसंद करते थे, वो अब हिंदुस्तान से मिटते जा रहे हैं। गजब की बात यह है कि तू और अक्लमंद लोग भी रास्ता भटक रहे हैं। ये आम लोग भी नहीं हैं, अक्लमंद यानी ज़हीन लोग भी रास्ता भटक रहे हैं, अक्लमंद लोग भी गलत काम कर रहे हैं। इस तरह अब वो हिंदुस्तान न रहा जो पहले था, यानी हिंदुस्तान के जो हालात थे उस पर वो मायूस हैं। इसके इस बंद के आखिर में भी यही शेर हमें देख सकता है, यही है क्या वो हिंदुस्तान जो रश के सद गुलिस्तान था। आठवां बंद देख लीजिए, भरा है जहर इसमें अमने गुलबू से खाली, उजड़ता जा रहा है गुलिस्तान नादा माली है, तबाही मच रही है और हर सौ पाई माली है, खुद इंसानों ने इस तखरीब की बुनियाद डाली है, यही है क्या वो हिंदुस्तान जो रश के सद गुलिस्तान था। तो पहला मिसरा देखिए, बरा है जहर इसमें अमने गुल बूसे खाली, यानी हिंदुस्तान जो कभी अमन व चैन से भरा हुआ था, जहां हर जगह अमन ही अमन था, लेकिन अब इसमें जहर भर दिया है। जहर के माने हैं मलयालम में विषम कहेंगे, जहर भर दिया गया है। अमन का फूल जो है वो बूसे खाली है, तो हिंदुस्तान की फूल में जो महक थी, जो खुशबू थी, वो खाली हो गए हैं, वो बू अब नहीं है, यानी अमन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जहर भर दिया गया है, नफ़रत की वबा फैला दी गई है। दूसरा मिसरा देखिए, उजड़ता जा रहा है गुलिस्तान नादा माली है, तो माली का माना है ओनर, तो
गुलिस्तान के लिए, एक बाईचे के लिए एक माली होता है, उसके बारे में कहता है। सारा गुलिस्तान बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, उजड़ रहा है, लेकिन उसके मालिक को कोई एहसास नहीं। अगर अपने गुलिस्तान तबाह हो जाता है तो उस पर सबसे ज़्यादा एहसास, सबसे ज़्यादा ख्याल अपने मालिक को होना चाहिए, लेकिन यहाँ यह नहीं है। वो नादान बना बैठा है, नादान के माने हैं अनजान बना बैठा है। अगर वो अपनी नादानी छोड़कर गुलिस्तान की खबर नहीं लिया तो सारा गुलिस्तान बर्बाद हो जाएगा। इन्हीं माली को अपने हिंदुस्तान की तरफ तवज्जा नहीं तो ये गुलिस्तान, ये हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। तीसरा मिसरा देखिए, तबाही मच रही है और हर सौ पाई माली है। यानी गुलिस्तान जैसे हिंदुस्तान में हर जगह हर तरफ तबाही ही तबाही मची हुई है और इंसान के हुकूक की भी पाईमाली की जा रही है। हिंदुस्तान का इंसान अपने हुकूक से महरूम किया जा रहा है। यानी हिंदुस्तान के लोगों को ये जानता नहीं है अपना हक क्या है और अपने हुकूक मांगने के लिए वो बाज रखते हैं, पीछे रहते हैं। चौथा मिसरा देखिए, खुद इंसानों ने इस तखरीब की बुनियाद डाली है। इस वक्त हिंदुस्तान की जो बुरी हालत हुई है उसका ज़िम्मेदार कौन है? कोई और नहीं, हम जैसे इंसान ही हैं। खुद हिंदुस्तान के इंसानों ने ही इस बर्बादी की बुनियाद रखी है। इस मुल्क का आवाम ही ने इस मुल्क को बर्बाद की तरफ धकेला है। धकेला के माना है वलिचिड़क, धकीला नुंड अर्थ करना दे। इस बंद के आखिर में भी उन्होंने यही मिसरा दोहराए हैं, यही है क्या वो हिंदुस्तान जो रश के सद गुलिस्तान था? ये फिर भी ये सवाल करते हैं कि हिंदुस्तान वो था जो हम पहले कह चुके हैं, लेकिन आज देखिए हिंदुस्तान का हालत क्या है। आखिरी बंद देखिए उसके अशार, भंवर में खा रही है जिंदगी की नाव, हज को ले मुसीबत आ पड़ी है, ना खुदा आंखें ज़रा खोले, चमन की अबतरी पर तू भी ये बुलबुल ज़रा रोले, यही चारा है अब अशकों से अपना जंगे दिल धोले, यही है क्या वो हिंदुस्तान जो रश के सद गुलिस्तान था। इस आखिरी बंद में उन्होंने हिंदुस्तान वालों से मुखातिब है, भंवर में खा रही है जिंदगी की नाव, हज को ले, यानी हिंदुस्तान की नाव, नाव के माने हैं कश्ती, कश्ती के माने हैं तोड़ी, तो नाव यानी कश्ती भंवर में फंसी हुई है। भंवर के माने चूड़ी, हम लोग तोड़ी चूड़ी लागपड़े अदानवे पर भंवर में फंसी हुई है। हिंदुस्तान अब मुश्किल में फंस गया है, इसका मुराद यह है कि हिंदुस्तान मुश्किल में है, मुश्किल में पड़ गया है। इस भंवर से फंसकर आखिरी सांस ले रहे हैं हम, इसी मुश्किल में पड़कर हंसा आह आह के सांस ले रहे हैं। भंवर से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है हमारे सामने। मौजूदा हालात को सामने रखकर कह सकते हैं कि इस भंवर से निकलने के लिए हमारे सामने कोई रास्ता अब मौजूद नहीं है। इसका रास्ता मौजूद होने के लिए हम हिंदुस्तान के आवाम, हकीम, सब लोग एक साथ आगे बढ़ना चाहिए तो हमें रास्ता मिल जाएगा। देखिए दूसरा मिसरा, मुसीबत आ पड़ी है, ना खुदा आंखें ज़रा खोले, अब कश्ती समुंदर में डूबने जा रही है। यानी हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है, इसलिए नाव चलाने वाला ना खुदा आंखें खोले। मुल्क के हकीम से शायर कहता है
कि मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है, इसलिए आंखें खोलकर देखिए और हालात को सुधारे, वरना मुल्क हाथ से निकल जाएगा। ये मिसरा उन्होंने हिंदुस्तान के हाकिम की तरफ इशारा है, और हाकिम अब सो जाए तो हिंदुस्तान ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। तो हाकिम से कहता है कि वो अपने आंखें खोलकर ज़रा मुल्क की तरफ देखो तो हमें बर्बादी से बचना आसान है। तीसरे मिसरा देखिए, चमन की अबतरी पर तू भी ये बुलबुल ज़रा रोले। तो हिंदुस्तान के आवाम से कहता है कि चमन की बर्बादी पर वो भी ज़रा रोले। बुलबुल मतलब हिंदुस्तान के आवाम हैं, तो बुलबुल हिंदुस्तान हम जैसे लोगों को बनाकर सरवर ने कहा है कि हम भी आंखें खोलकर हमारे मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। बुलबुल से कह रहा है कि चमन जैसे हिंदुस्तान की बर्बादी पर बुलबुल को भी ज़रा रोले, यानी आवाम को गम करने के लिए कहा गया है। आवाम और हकीम सब लोग मिलकर हमारे मुल्क को बर्बादी से बचा सकते हैं। चौथा मिसरा देखिए, यही चारा है अब अशकों से अपना जंगे दिल धो ले। अब हिंदुस्तान को बर्बादी से बचाने का कोई रास्ता नहीं है। रो रो कर आंगों से जारी होने वाले आंसुओं से आवाम अपने दिल के जंग को धोने की नसीहत की गई है। तो इससे वो ये कहना चाहते हैं कि आवाम एक साथ हाकिम के मिलकर, यानी हाकिम के साथ आवाम भी मिलकर अपने इस मुल्क को बचाने के लिए कोई न कोई ज़रिया ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने आखिरी मिसरे में भी, इस निज़म के आखिरी मिसरे में भी ये सवाल किया कि यही है क्या वो हिंदुस्तान जो रश्के सदगुलिस्तान था। मजमूई तौर पर शायर अपने मुल्क को बर्बादी से बचाने के लिए सभी लोगों को बेदार करने की इस नज़म के ज़रिए भरपूर कोशिश की है। इस तरह हमारी ये नज़म, सैयद मोहम्मद सरवर की ये नज़म नवबंद ख़त्म हो चुका है। तो इसमें हर लफ्ज़, हर माना बहुत आसान है, जिसे पढ़कर हमारे दिल में भी हमारे मुल्क से मोहब्बत का जज्बा भर देना चाहिए, और हमें भी सोच लेना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान हम वो क्या कर सकता है और उसे बचाने के लिए हम कौन सा ज़रिया अपना सकता है। शुक्रिया।